तो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज एक स्पाइसी और एकदम हेल्दी और हर घर में बनने वाली इस तरह की वेजिटेबल हम बनाएं तो मुंह में पानी आने लगता है कि इस चटपटी सी रेसिपी को जल्दी से बनाएं और खाएं। तो इसके लिए लिया है मैंने बेसन, लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्च बड़े बड़े स्लाइस में कट करके ली है, और कुछ पनीर लिया है, टमाटर लिए हैं। तो इन अदरक, लहसुन और प्याज का मैं एकदम दरदरा कूट कर महीन पेस्ट बना लूँगी। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है। अगर कुछ स्पाइसी खाने का मन हो और झटपट बनाने का मन हो तो इस तरह से आप ज़रूर बना कर देखें। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, इससे बहुत टेस्ट आता है मस्टर्ड ऑयल में। तो यहाँ पर मैं पनीर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी पहले फ्रेंड्स। तो बस इसको उलट पुलट करती हुई हम इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक, थोड़ा सा हल्का सा इसका सॉफ्टनेस आ जाए इसमें, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। और इसे फ्राई करके रख देंगे साइड में। और यहाँ पर हम हरी मिर्च को एकदम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्राई करके इनको भी हम साइड में रख लेंगे। और जो हमने दरदरा पेस्ट बनाया है इसका, अदरक, लहसुन और प्याज का, उसे हम बारीक ही नहीं रखना है, उसे हमें दरदरा ही कूटना है। उसका फ्लेवर जब मुंह में आता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम मिक्सर ग्राइंडर में जो प्याज पीसते हैं उसमें पानी निकल जाता है और उसकी महक बहुत गंदी लगती है जब मुंह में आती है। तो इस तरह की सब्ज़ी बनाएं तो अक्सर हमें दरदरा प्याज हाथ से कूटना या कद्दूकसी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस हमारी मिर्च आपसे बातें करते करते इस तरह से हो गई हैं फ्राई। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाला है जीरा, और साथ में डाली है हींग। बेसन वाली अगर कोई चीज़ हम बनाते हैं तो हींग उसमें ऑप्शनल है, हींग की महक तो ज़रूरी रहती है। अब इसमें मैंने जो प्याज का पेस्ट कूटा था वह इसमें डाल देंगे। और अब डाल देंगे, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब डाल देंगे इसमें बेसन। बेसन को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है जिससे बेसन का कच्चापन हमारी सब्जी में ना रहे फ्रेंड्स। तो बस हमको इस तरह से बेसन हल्की धीमी धीमी आंच पर भूनना है, लगातार चलाते रहना है जिससे ये चिपके नहीं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको सेक रही हूँ, प्याज भी हमारी सिक रही है इसके साथ। और क्योंकि प्याज में तो कच्चापन नहीं है, बट फिर भी मैं इसको अच्छे से प्याज के साथ ही मैश करके अच्छे से सेक रही हूँ बेसन को, जब तक इसमें इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे बेसन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और डालेंगे साथ में नमक। ये सभी चीज़ें तो हमारी किचन में अक्सर मिलती हैं, सबके यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कर्ड लिया है, ये गाढ़ी कर्ड है। अब इसको हम इसमें पानी डालेंगे, इसमें कर्ड के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें। अगर पानी के साथ हम कर्ड डालते हैं तो वह फटी फटी हमारी सब्जी होने लगती है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है पानी को। और डाल देंगे इसमें नमक और डाल देंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर गलने के लिए नमक चाहिए, और ये टमाटर गल जाएं जब तक इसको हमें पकाना है। आप देख सकते हैं टमाटर जैसे गले तो उसने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। सब्जी हमारी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसमें ऊपर से जो हमने सामान फ्राई करके रखा था फ्रेंड्स, उसको ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे। तो अब इसमें 1-2 टेबल स्पून भर के मैंने मलाई मिक्स करके रखी थी, उसको ऐड कर देंगे। मलाई से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा, बहुत ही शाही सब्जी बन के रेडी होगी ये सब्जी। अगर आप बनाएंगे तो आप देखते देखते आपके मुंह में पानी, बनाते बनाते आपके मुंह में पानी आ जाएगा।
फ्रेंड, एक एक तो ये बेसन इसमें अच्छे से सिक के डला हुआ है, तो इसका शाही अंदाज कुछ अलग ही रहता है। तो एकदम थिक और एकदम गाढ़ी सब्जी बन के रेडी होगी, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। इसको पूड़ी या पराठे के साथ खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो अब ये सामान जो फ्राई करके रखा था हमने धीरे धीरे ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, हल्का सा ढकना है। और आप देख सकते हैं इसने चारों तरफ से ऑयल अच्छे से ऊपर सेट हो गया है, ऊपर छोड़ दिया है, यानी सब्जी हमारी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करके इसको हम गार्निश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा